नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रिया भावित चित्तावर, जो कि बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट निसंतान रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। थैंक यू। चलिए, तो आज हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में, जिसके बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर प्रिया भावे। साथ ही अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर प्रिया से। डॉक्टर प्रिया, हम शुरुआत करेंगे चर्चा की, और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज आखिर होता क्या है। जी, ब्लॉकेज समझने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये फेलोपियन ट्यूब आखिर क्या होती है। यूट्रस के दोनों तरफ दो नलियाँ होती हैं जिसे फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। ये जो फेलोपियन ट्यूब है, ये एक चैनल होता है जहाँ से ओव्यूलेशन के बाद एग को ट्यूब उठाती है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही जीवन की शुरुआत होती है, यानी जो एग और स्पर्म मिलने का प्रोसेस है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। जब एग और स्पर्म मिल के और एम्ब्रियो बन जाता है तो फेलोपियन ट्यूब उसे अपने मूवमेंट से पुश करके यूट्रस के अंदर भेजती है, और जो इसके आगे का पूरा 9 महीने का जो प्रेगनेंसी का सफ़र है वो यूट्रस के अंदर होता है। यानी प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए फेलोपियन ट्यूब की बहुत ही क्रिटिकल रोल है। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद गर्भाशय में यानी यूट्रस में ग्रो होती है, परंतु प्रेगनेंसी की शुरुआत जो है वो फेलोपियन ट्यूब्स में होती है। यदि किसी कारण से फेलोपियन ट्यूब में कोई रुकावट है, ये अंदरूनी रुकावट हो सकती है यानी इंटरनल ब्लॉकेज, या बाहरी रुकावट हो सकती है यानी बाहर की तरफ से कोई झिल्ली या कुछ इंटेस्टाइन चिपकी हुई है जिससे ट्यूब खुली नहीं है, दोनों ही स्थितियों में एग और स्पर्म आपस में मिल नहीं पाएंगे। तो आम तौर पे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक के लक्षण कुछ नहीं होते, बस एक ही लक्षण होता है कि दंपत्ति कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं मगर वो कंसीव नहीं हो पा रहे, यानी उन्हें इनफर्टिलिटी की समस्या हो गई है। कैसे जाँच में इस बात का पता चलता है कि फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, और उसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज जो है, फेलोपियन ट्यूब का इसके अलावा दूसरा कोई शरीर में काम नहीं होता। दूसरा फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक साइलेंट होता है, यानी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, डैमेज हो सकती है, बट अधिकतर केसेस में इसके कोई लक्षण या सिम्टम्स पेशेंट को नहीं आते। लक्षण यदि आए भी तो वो बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, यानी हल्का फुल्का पेड़ों में भारीपन होना, कुछ ब्लीडिंग एबनॉर्मल होना, यानी ये स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है जिससे पेशेंट ये जान सके कि अच्छा हमें इस तरह की कोई दिक्कत है। तो आम तौर पे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के कोई सिम्टम्स नहीं होते, जब तक पेशेंट आते हैं तब तक ये ट्यूब्स कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुकी रहती हैं। और इसे डायग्नोस करने के मुख्यतः तीन तरीके हैं। पहला तरीका है HSG, यानी हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। हिस्टेरो का मतलब होता है यूट्रस, साल्पिंगो का अर्थ होता है ट्यूब्स, और ग्राफी यानी इन्हें दवाई डाल के एक्सरे के थ्रू देखना। यूट्रस के अंदर एक दवाई डाली जाती है, ये जो दवाई है ये दोनों ट्यूब से अगर बाहर निकल रही है तो एक्सरे की फिल्म्स में हमें समझ में आता है कि ट्यूब ओपन है। यदि ये दवाई यूट्रस के अंदर ही है, ये बाहर नहीं आ पा रही है, तो हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉक है। सोनोग्राफी में यही प्रक्रिया की जब की जाती है तो इसे सोनोसाल्पिंगोग्राफी कहा जाता है, यानी यूट्रस के अंदर डाय डाला जाता है परंतु एक्सरे की बजाय सोनोग्राफी में हम देखते हैं कि ये डाय बाहर आ रहा है कि नहीं। पर यदि आप गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट यानी जो सबसे एक्यूरेट टेस्ट है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक चेक करने के लिए, और इवन फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक को ओपन करने के लिए, तो वो है लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन की जांच। साथ ही आपने जिक्र किया कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही कारण हो सकते हैं ब्लॉकेज के, क्या कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है इस ट्यूब में जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत है? जी, इनफैक्ट फेलोपियन ट्यूब के यदि ब्लॉकेज की हम बात करें तो 90% केसेस में ये इन्फेक्शन के कारण ही होता है। फेलोपियन ट्यूब की जो अंदर की लेयर होती है, इसके यदि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पर हम ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ कॉलमनर एपिथीलियल सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स हैं इसके ऊपर सीलिया रहते हैं, सीलिया एक महीन बाल की तरह होते हैं जो एग को होल्ड करने का, उसे फर्टिलाइज कराने का, और उसके बाद उस फर्टिलाइज्ड एग को यूट्रस में पुश करने का काम करते हैं। जब भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले ये सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसके बाद यदि ये अनट्रीटेड रहे स्टेज में तो ये जो सेल्स हैं इनकी डेथ हो जाती है और दो जो लेयर्स हैं वो आपस में चिपक जाती हैं। यदि इस स्टेज पे भी डायग्नोसिस नहीं हो तो ये जो ब्लॉकेज है ये बढ़ता चला जाता है, ट्यूब का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो ब्लॉक हो जाता है। मुख्यतः दो इन्फेक्शन्स हैं जिनके कारण फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉक पाया जाता है। पहला इन्फेक्शन है क्लेमाइडिया नाम के ऑर्गेनिज्म से, और दूसरा इन्फेक्शन जो हमारे देश में बहुत कॉमन है वो है बच्चेदानी की TB यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस।
साथ ही अगर परसेंटेज की बात की जाए तो किस एज परसेंटेज और किस रेशियो में आप समझते हैं कि महिलाएं इस एज में या इस कैटर की महिलाएं सबसे ज़्यादा इससे इन्फेक्टेड रहती हैं? देखिए, चूंकि इसका सिम्टम इनफर्टिलिटी है, तो जो महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज में हैं, 20s 30s में हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जाती है। दूसरा, यदि हम संतानहीन दंपतियों की बात करें कि सपोज 100 दंपतियों को संतानहीनता है, तो उसमें से लगभग 1/3 यानी 30% को फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक ही उसका रीज़न होता है। इनफैक्ट कुछ एरियाज़ में तो ये प्रतिशत 50% तक भी हो सकता है, यानी संतानहीनता का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉक होना है। चलिए एक बार फिर मैं दर्शक को रिमाइंड कर दूँ कि हम लोग यहाँ फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज के बारे में बात करें, साथ ही IVF और फर्टिलिटी को लेकर भी मैम से आप जानकारी ले सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, सीधे कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर प्रिया से। मैम, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपने बताया कि इसके कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते हैं, क्या छोटा सा पेन या ऐसा कुछ लक्षण आप बता सकती हैं जिसके ज़रिए एक दंपत्ति इस बात के लिए सुनिश्चित हो जाए कि आप चेकअप की ज़रूरत है? जी देखिए, जो बीमारियों के लक्षण होते हैं, जैसे ही लक्षण आते हैं पेशेंट तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको एग्जामिन करके, इन्वेस्टिगेशंस करके, डायग्नोस करके ट्रीट करता है। प्रॉब्लम उन बीमारियों में आती है जिनके लक्षण या तो होते नहीं या तो बहुत माइनर नॉन स्पेसिफिक होते हैं, और फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक एक ऐसी ही तकलीफ है। मुख्यतः तीन ऐसे कैटेगरीज में बताना चाहूँगी दर्शकों को जिसमें फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक सस्पेक्ट करना चाहिए। पहला, वो महिलाएं जिनको या तो पहले TB हो चुकी है, वो फेफड़ों की TB हो या शरीर के किसी भी ऑर्गन की TB हो, या फिर उनके घर में जो कॉन्टैक्ट्स हैं, घर के जो लोग हैं, उनको TB रही हो और वो उनके सहवास में रही हो। क्योंकि कहीं ना कहीं 30-80% केसेस में जो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हमारे देश में है वो बच्चेदानी की TB के कारण है। तो यदि आपको पहले TB हो चुकी है या आपके घर में किसी को TB हो चुकी है और आप प्रेगनेंसी प्लानिंग करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि फेलोपियन ट्यूब की जांच जो है वो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में करा दीजिए, बहुत देर तक इसके लिए मत रुकिए। दूसरे, वो दंपत्ति जिनका HSG टेस्ट हुआ है और उसमें फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, अक्सर वो सोचते हैं कि ये इंजेक्शन से ओपन हो जाएगा, कुछ टैबलेट्स हम खा लेंगे उससे ये ठीक हो जाएगा, जबकि हकीकत ये है कि जब ट्यूब की दोनों लेयर्स आपस में चिपक गई हैं तो कोई ऐसा इंजेक्शन या टैबलेट नहीं है जिससे ये खुल जाए। इसे केवल लैप्रोस्कोपी से हम खोल पाएंगे, वो भी सब केसेस में नहीं खोल पाएंगे। तो यदि किसी की HSG एबनॉर्मल है तो उन्हें बिना देर किए लैप्रोस्कोपी के लिए आना चाहिए और डॉक्टर से चेकअप करना चाहिए। तीसरा, वो लड़कियां हैं जिनको बार बार पेल्विक इन्फेक्शन्स हो रहे हैं। पेल्विक इन्फेक्शन्स के जो सिम्टम होते हैं वो पेड़ों में दर्द होना, एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना, बुखार आना, तो ये जब सारे सिम्टम्स होते हैं तो इसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहा जाता है। इन्फेक्शन ठीक हो जाता है परंतु इन्फेक्शन के जो सीक्वली होते हैं, यानी इन्फेक्शन ठीक हो जाने के बाद जो डैमेज होता है, उसमें कई बार फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तो पहली बात, जो यंग लड़कियां हैं उन्हें सेफ सेक्स का प्रैक्टिस करना चाहिए, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कॉन्डम्स हमेशा यूज़ करना चाहिए, भले ही आप दूसरे भी गर्भ निरोधक साधन इस्तेमाल करती हों, क्योंकि क्लेमाइडिया जो है ये एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से ये ट्रांसमिट होता है, और एंटीबायोटिक से ये ठीक तो हो जाता है परंतु इसके बाद में जो ब्लॉक होता है उससे आगे दिक्कत आ सकती है। तो ये जो तीन कैटेगरीज हैं इस पे हमें ध्यान देना चाहिए यदि हम फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक से होने वाली इनफर्टिलिटी से बचना चाहते हैं। तो साथी मैम, समस्या के बारे में आपने हमें विस्तार से जानकारी दी, किस तरह से समस्या हो सकती है, क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, अगर इलाज की बात की जाए तो किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? देखिए, इलाज को हमेशा दो चीज़ें ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। पहला ये कि जिस इन्फेक्शन के कारण ये ब्लॉक हुआ है उसका पहले तो सटीक डायग्नोसिस होना चाहिए, और उस इन्फेक्शन को ट्रीट किए बिना यदि हम सिर्फ ट्यूब को खोल देंगे तो वापस ये ट्यूब ब्लॉक हो जाएंगी। तो इसीलिए ये जो इन्फेक्शन था, क्या ये ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुआ, क्या ये क्लेमाइडिया की वजह से हुआ, क्या ये पोस्ट अबॉर्टल इन्फेक्शन था, क्या इसमें ऑर्गेनिज्म है, उसके सूटेबल एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देना बहुत आवश्यक है। दूसरा, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक का अर्थ ये नहीं है कि अब आप कभी माँ नहीं बन सकती। लगभग 50-60% केसेस में लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम इस ब्लॉक को ओपन कर पाते हैं। ओपन करने के बाद कई महिलाएं जो हैं, यदि ये ब्लॉक इनिशियल स्टेजेस में है, उचित एंटीबायोटिक दे दिया गया है, ट्यूब का फंक्शन यानी कि एग उठाने का काम बराबर है, तो वो अपने आप ही कंसीव कर लेती है। 40-60% केसेस में जब ब्लॉक दोनों तरफ है या फिर
ट्यूब का एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो ब्लॉक है, या फिर ट्यूब हमने ओपन तो कर दी बट उसका जो फंक्शन है यानी कि जो सीलिया है जो जिनका काम है एग को उठाना, उसे होल्ड करना, एम्ब्रियो को ट्रांसपोर्ट करना, यदि सीलिया के फंक्शन में डैमेज आ गया है तो इस केस में हमें फिर टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF टेक्निक की सहायता लेनी पड़ेगी। यानी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक के केसेस में भी नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल है यदि ये ब्लॉक खोल दिया जाए। नेचुरल कंसेप्शन यदि पॉसिबल नहीं है, डैमेज ज़्यादा है, तो भी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया से ऐसी महिलाएं माँ बन सकती हैं। साथ ही मैम, अगर इसका इलाज कराया जाता है तो इस बात की कितने चांसेस के इन्फेक्शन दोबारा फेलोपियन ट्यूब को इन्फेक्ट नहीं करेगा, और क्या इसके बाद कोई और कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में नहीं होगा? जी देखिए, क्या है इसमें जो रिपीट इन्फेक्शंस की बात आती है वो अक्सर फेलोपियन ट्यूब की TB के केसेस में आती है। ट्यूबरक्यूलोसिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि स्लो ग्रोइंग इन्फेक्शन है, और इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो 10-15 दिनों की नहीं होती, वो पूरे 6 months to 9 months का कोर्स होता है। जी अधिकतर केसेस में पेशेंट्स जो हैं इसके कहीं ना कहीं कंप्लायंस में गड़बड़ी करते हैं, यानी शुरू में तो दवाई बराबर लेते हैं, फिर किसी कारणवश दवाई जो है वो बीच में छोड़ देते हैं। जब आप दवाइयों को, स्पेशली टीबी की दवाइयों को बीच में छोड़ते हैं, तो ये फिर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का रूप ले लेती हैं, और फिर सेकेंड लाइन थेरेपीज या थर्ड लाइन थेरेपी इस्तेमाल करनी पड़ती है जो कि इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। तो कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये संदेश बहुत स्ट्रांगली देना चाहूँगी महिलाओं को, यदि आपको बच्चेदानी की टीबी डायग्नोस हुई है, यदि आपकी फेलोपियन ट्यूब्स टीबी की वजह से ब्लॉक हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कॉमन है, पर यदि आपने दवाई शुरू करी है टीबी की, तो कुछ भी हो जाए आपको अपना कोर्स 6 months या 9 months का कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप इसे बीच में छोड़ते हैं तो ये डिजीज़ जो है ये फिर कई बार इनक्यूरेबल हो जाता है, यानी फिर ये ठीक नहीं होता, क्योंकि ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए अभी भी हमारे पास बहुत लिमिटेड दवाइयाँ हैं। असरदार तो हैं परंतु बहुत सारी सेकेंड लाइन थर्ड लाइन दवाइयाँ नहीं हैं। तो किसी भी महिला को या किसी भी व्यक्ति को टीबी है तो उसे 6 महीने 9 महीने का कोर्स बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करना है, कुछ भी हो जाए दवाई बीच में नहीं छोड़नी है, और उसके बाद फिर गर्भाधान के लिए ट्राई करना है। अगर ट्यूबरक्यूलोसिस मैम ठीक हो जाता है, उसके बाद अगर प्रेगनेंसी अटेम्प्ट की जाती है, उसके बाद अगर महिला प्रेग्नेंट भी हो जाती है, तो क्या बच्चे को इस बात का खतरा बना रहता है कि उसे भी आगे जाकर ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकते हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, और ये सबसे पहला सवाल है जो महिलाएं पूछती हैं, क्योंकि हर महिला अपने होने वाले बच्चे की हेल्थ को लेके हमेशा चिंतित रहती है। अच्छी बात यह है कि ट्यूबरक्यूलोसिस यदि ट्रीट हो चुका है कम्प्लीटली, 6 months 9 months का आपने कोर्स ले लिया है और कोई भी रेसिडुअल डिजीज़ नहीं है, और आपके यूट्रस की लेयर हेल्दी है, तो आपके होने वाले बच्चे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब ट्रीटेड ट्यूबरक्यूलोसिस जिनका है वो माताएं कंसीव कर सकती हैं, गर्भाधान में, प्रेगनेंसी में उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, ये बात बिल्कुल प्रमाणित है। तो इस चीज़ के लिए परेशान मत होइए, परंतु ट्रीटमेंट अपना कंप्लीट करिए और फिर गर्भाधान के लिए आगे बढ़िए। एक और मेडिकल टर्म मैम, हाइड्रोसल्फिनिक्स क्या होता है और कैसे प्रेगनेंसी को इफेक्ट करता है? जी, हाइड्रो या का मतलब होता है फ्लूइड यानी पानी, सल्फिनिक्स का अर्थ होता है फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब के 2 सिरे होते हैं, पहला जो सिरा होता है वो बच्चेदानी से जुड़ा हुआ रहता है, दूसरा जो सिरा होता है वो ओवरी के पास रहता है। जब ओवरी के पास वाला सिरा किसी कारण से बंद हो जाता है तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो सिक्रीशंस हैं वो अंदर ही अंदर इकट्ठे होते रहते हैं, और फेलोपियन ट्यूब एनलार्ज हो जाती है, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ सोनोग्राफी में नज़र आता है। ये जो परिस्थिति है इसे हाइड्रोसल्फिनिक्स कहते हैं। हाइड्रोसल्फिनिक्स के अंदर का जो फ्लूइड होता है वो एम्ब्रियो टॉक्सिक होता है, यानी वो एम्ब्रियोज़ के लिए हानिकारक होता है, एम्ब्रियोज़ उसमें ग्रो नहीं कर पाते। साथ ही साथ ये फ्लूइड सिर्फ फेलोपियन ट्यूब में नहीं रहता, ये यूट्रस के अंदर की लेयर में भी लीक होता है। तो जब भी किसी को हाइड्रोसल्फिनिक्स है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक करने के पहले हाइड्रोसल्फिनिक्स का इलाज किया जाए, नहीं तो ये हाइड्रोसल्फिनिक्स टेस्ट ट्यूब बेबी को कभी सफल नहीं होने देगा। टेस्ट ट्यूब बेबी में हम जब ट्यूब यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको इम्प्लांट होने के लिए 3 stages होती हैं। पहली स्टेज होती है एपोजिशन, यानी कि यूट्रस की लेयर और एम्ब्रियो एक दूसरे के करीब आते हैं। दूसरी स्टेज होती है एडहेजन, यानी कि यूट्रस की लेयर से एम्ब्रियो चिपकता है। और थर्ड स्टेज होती है इन्वेजन, जिसमें इस लेयर के अंदर एम्ब्रियो जाके इम्प्लांट होता है और प्रेगनेंसी आती है। जब यूट्रस की लेयर के अंदर फ्लूइड होगा तो ये पहली ही स्टेज यानी कि एपोजिशन ही नहीं हो पाएगा,
तो जब एम्ब्रियो यूट्रस की लेयर के करीब ही नहीं आ पाएगा तो इम्प्लांटेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो अब ये साइंटिफिक तथ्य प्रमाणित है कि हाइड्रोसाल्पिंग्स जो है ये IVF के सक्सेस रेट को लगभग 15-20% कम कर देता है। अब यदि IVF का सक्सेस रेट ही 50% है और उसमें से हमें 15-20% कम हो गया है, तो डेफिनेटली हाइड्रोसाल्पिंग्स का IVF के पहले इलाज करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इसे किए बिना आपको IVF के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। साथी मैम, एक और क्वेश्चन ये कि दो फलोपियन ट्यूब्स होती हैं हर महिला के लिए, और अगर एक ट्यूब में ब्लॉकेज आती है तो क्या दूसरे ट्यूब के ज़रिए प्रेगनेंसी पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल भी है और कुछ केसेस में नहीं भी है। कैसे वो मैं आपको समझाती हूँ। फेलोपियन ट्यूब्स दोनों एक साथ ही रहती हैं और जब कभी एक ट्यूब में इतना इन्फेक्शन हो गया है कि वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गई है, तो ऐसा बहुत कम होता है कि दूसरी ट्यूब में बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि एक ही शरीर है, एक ही तरह के वातावरण में दोनों ट्यूब्स हैं। तो आम तौर पर यदि किसी महिला की एक ट्यूब कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है तो दूसरी ट्यूब में भी कुछ ना कुछ डैमेज तो होता है, भले ही वो पार्शियल ब्लॉकेज हो, भले ही वो सीलिया का डैमेज हो। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि ये जो इन्फेक्शन है इसे आइडेंटिफाई करके ट्रीट किया जाए। ट्रीट होने के बाद यदि दूसरी ट्यूब में कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं है तो कंसीव होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि एक ट्यूब के साथ कंसीव नहीं हो सकता, परंतु इस तथ्य को ध्यान में रखिए कि कहीं ना कहीं दूसरी ट्यूब में भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन के सीक्वल या डैमेज होगा। तो बहुत लंबे समय तक वेट मत करते रहिए कि नेचुरली कंसीव हो जाएगा। 3 to 6 months, 1 year अपनी डॉक्टर की सलाह के, आपकी स्थिति के हिसाब से ट्राई करिए। नहीं होता है तो आप जल्दी टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए आगे बढ़िए। साथ ही मैम, अगर कोई फेलोपियन ट्यूब का ट्रीटमेंट नहीं करवाता है अगर कोई महिला, तो क्या आगे जाकर IVF अटेम्प्ट करना उसके लिए सेफ रहता है या कोई कॉम्प्लिकेशंस आके फेस करनी पड़ सकती हैं? एक्चुअली जो IVF का आविष्कार हुआ था 1970s में, वो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज वाली महिलाओं के लिए ही हुआ था। 77 के पहले, यानी पहले विश्व के पहले IVF बेबी के पहले, जिन महिलाओं की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक थी और वो खुल नहीं पाती किसी सर्जरी से, तो ऐसी महिलाओं के लिए कोई चांस नहीं था कंसीव होने का। IVF की टेक्निक में इन्होंने एग और स्पर्म को जो फ्यूज़ करने का काम होता है, जो ट्यूब के अंदर होता है, उसे शरीर के बाहर करना शुरू कर दिया। तो IVF का आविष्कार ही फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक जिन महिलाओं का है उनकी मदद करने के लिए हुआ था। तो यदि किसी महिला के फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो ये ध्यान रखें कि फेलोपियन ट्यूब्स का शरीर में फंक्शन सिर्फ एम्ब्रियो फॉर्मेशन तक है। यदि ये काम हम शरीर के बाहर कर लेते हैं और आपका यूट्रस हेल्दी है, तो आप बिल्कुल जैसे कोई दूसरी महिला की प्रेगनेंसी होती है वैसी ही आपकी प्रेगनेंसी होगी। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होना आपकी प्रेगनेंसी के प्रोग्रेशन में कोई किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। तो बिना किसी हिचक के IVF टेक्निक को अपनाइए, क्योंकि अब ये तकनीक काफ़ी पुरानी, लगभग 40 साल पुरानी हो चुकी है। काउंटलेस मिलियंस महिलाएँ जिनकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक ही, वो इस तकनीक को अपना के और माँ बन चुकी हैं। तो कुछ प्रिकॉशंस के साथ आप इसको डेफिनेटली यूज़ करिए और आपको संतान सुख इसमें मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। एट टाइम्स में कपल व्हेन दे आर नॉट ट्राइंग टू कंसीव या दे डोंट वांट टू कंसीव, कई बार पर्पसली भी फेलोपियन ट्यूब की सर्जरी करा लेते हैं। क्या होता है सर्जरी में और आगे अगर उन्हें प्रेगनेंसी चाहिए इनके इस वक्त ना बदल लेते हैं तो क्या उसके लिए चॉइसेस रहती हैं? बिल्कुल, गर्भ निरोधक साधन एक बहुत कॉमनली हमारे देश में जो इस्तेमाल किया जाता है वो नसबंदी है, यानी कि नस को बंद कर देना जिससे कंसीव नहीं हो पाए। नसबंदी आमतौर पे वो लोग अपनाते हैं जिनकी फैमिली कंप्लीट है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, 2 या 3 जिनके बच्चे हैं या ज़्यादा बच्चे हैं, अब वो कंसीव नहीं करना चाहते। नसबंदी चूँकि सेफ होती है, सक्सेस रेट इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब इसमें फेलियर होने के, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं है, तो इसे काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने भी पब्लिसाइज किया है और बहुत सारी महिलाओं ने इसे अपनाया है। पर समझने की बात यह है कि ये एक टर्मिनल मेथड है, यानी इसे यूजुअली रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यदि बच्चे बहुत छोटे हैं, एक ही बच्चा है, आप आगे जाके अपना माइंड चेंज कर सकते हैं, तो फिर नसबंदी को मत अपनाइए। नसबंदी एक स्पेसिंग मेथड नहीं है, यानी 2 बच्चों के बीच में अंतराल रखने के लिए इस तरह का मेथड नहीं है। नसबंदी यदि होती है तो जब दूरबीन से नसबंदी होती है, लैप्रोस्कोपिक नसबंदी होती है, उसमें ट्यूब को काटा नहीं जाता, उसमें ट्यूब के ऊपर एक बैंड लगा दिया जाता है। तो यदि कोई अनफॉर्चुनेट घटना हो गई, जैसे किसी के बच्चे गुजर गए या कुछ सिचुएशंस में चेंज हुआ, दूसरी शादी हुई और अब कंसीव करने की इच्छा है, तो
तो ये जो दूरबीन से ऑपरेशन होता है इसको खोलना आसान होता है, इसे रीकैनलाइजेशन यानी ट्यूबल सर्जरी रिवर्सल कहा जाता है। रीकैनलाइजेशन में जिस हिस्से पे बैंड लगा हुआ है उसे निकाला जाता है। लैप्रोस्कोपी के माध्यम से हम ये सर्जरी करते हैं और इसमें दोनों ट्यूब्स को बहुत ही महीन धागे से वापस से जोड़ दिया जाता है। सक्सेस रेट इसका काफ़ी अच्छा है, 70% केसेस में ट्यूबल रिवर्सल से ही वो कंसीव हो जाते हैं। 30% केसेस में यदि ट्यूब में डैमेज ज़्यादा है या महिला की एज ज़्यादा हो गई है, पुरुषों के स्पर्म में यदि कमी आ गई है, तो फिर ऐसे केसेस में ट्यूबल सर्जरी की बजाय IVF को प्रेफर किया जाता है। साथ ही मैम, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज जैसी समस्या हो या फिर IVF हो या टेस्ट ट्यूब बेबी हो, तो उसको लेकर भी कई बार लोगों में जागरूकता काफ़ी कम होती है। ज़मीनी स्तर पर जो ग्रामीण महिलाएं इस तरीके की टर्मिनोलॉजी नहीं समझ पाती हैं, कैसे आप उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि ये काफ़ी सेफ होता है और बच्चे को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता? देखिए, इसके लिए एक एग्जाम्पल समझिए। यदि हमें कहीं रास्ते से जाना है और बीच में ट्रैफिक जैम है या रास्ता बंद है, तो हम पहले तो कोशिश करते हैं कि ये रास्ता खुल जाए। अगर ये रास्ता नहीं खुल पा रहा और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो हम उसको बायपास करके दूसरे रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। उसी प्रकार से यदि किसी महिला की अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हैं, तो पहले तो डॉक्टर कोशिश करते हैं कि ये ट्यूब्स ओपन हो जाएँ, परंतु डैमेज यदि ज़्यादा है, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, दोनों ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, या ब्लॉकेज खोलने के बाद भी कंसीव नहीं हो पा रहा, यानी ट्यूब अपना काम ही नहीं कर रही बराबर, तो ऐसे केसेस में ट्यूब को बायपास करके शरीर के बाहर एम्ब्रियो का निर्माण किया जाता है। इसमें कुछ भी अननेचुरल या अप्राकृतिक इसलिए नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो पूरा डेवलपमेंट है 9 महीने का, वो आपके गर्भ के अंदर जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसा ही होगा। तो अब समय आ गया है कि इसके बारे में सारी भ्रांतियों को हटा दिया जाए। ये बहुत कॉमन समस्या है, खासतौर पर ग्रामीण एरियाज़ में, और वहाँ पे इस जागरूकता की आवश्यकता है कि ये जैसे बाकी ट्रीटमेंट्स होते हैं उसी तरह का एक ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में सफलता के चांसेस 100% तो नहीं है, परंतु जितना जल्दी आप करा लेंगे उतना अच्छे आपके चांसेस होंगे गर्भाधान करने के। साथ ही मैम, अगर हम ज़मीनी स्तर की बात करें तो कई बार इनफर्टिलिटी को लेकर भी कई सारे मिथ्स हैं कि सिर्फ महिलाओं में होती है, और मेल्स कई बार हिचक के कारण ये सब नहीं खुलकर कह पाते हैं, ना ही वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश? ये भी जो संदेश है ये समाज में आज भी, हम 2022 में जी रहे हैं, पर अभी तक समाज में यही धारणा है कि संतान उत्पत्ति, गर्भाधान, ये पूरी तरह से महिला के ऊपर निर्भर करता है। आज भी क्लिनिक में महिलाएं अकेली आती हैं, पुरुष उनके साथ आते ही नहीं हैं। डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन यानी प्रेगनेंसी की शुरुआत और पूरा 9 महीने का सफ़र महिला के शरीर के अंदर होगा, परंतु कंसेप्शन में, गर्भधारण में 50% कॉन्ट्रीब्यूशन स्पर्म का है। यदि स्पर्म्स की गुणवत्ता में कमी है, स्पर्म की मोटिलिटी कम है, स्पर्म्स बन ही नहीं रहे हैं, लगभग जो स्थिति 50% दंपतियों में होती है, तो उसमें दोनों का इलाज होता है। तो ये जो है संतानहीनता कोई महिलाओं की समस्या नहीं है, ये दंपत्ति की समस्या है। ये अब हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और प्रॉब्लम किसी में भी निकले, महिला में निकले या पुरुष में निकले, इलाज दोनों का ही होता है, यानी दोनों को ही आना पड़ता है, दोनों की ही दवाइयाँ चलती हैं, प्रक्रिया में दोनों का ही सहयोग होता है। तो इसीलिए संतानहीनता का कारण कोई भी हो, ये एक दंपत्ति की समस्या है, और पूरे परिवार को और समाज को उनका सपोर्ट करना चाहिए, इस चीज़ की जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए डॉक्टर प्रिया, हम आशा करते हैं कि ज़मीनी स्तर तक आपका ये संदेश पहुंचेगा और इस पर अमल भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए, तो आज डॉक्टर प्रिया भावे से फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में हमने जानकारी ली। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।